हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का महत्वपूर्ण अपडेट नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो मुख्य अवसर परीक्षा का फॉर्म के लिए इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो के लिए आप सभी के लिए जो है मददगार साबित भी हो रहा है, क्योंकि समय समय पर सही जानकारी मिलने पर स्टूडेंट जो है फॉर्म सही समय पर भरते हैं और जो भी जानकारी अपडेट मिलता है उसके अनुसार भी कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो अभी परीक्षा हुआ था मार्च अप्रैल में, उसका रिजल्ट इंटरनेट पे जारी हो चुका है। तो इसका जो मार्कशीट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कौन से तारीख से केंद्र से वितरण शुरू होगा, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा जो है रिजल्ट जो है 23 मई के लगभग आसपास आया था, और स्टूडेंट जो है नेक्स्ट कक्षाओं के लिए जो है जैसे 10वीं पास हुए होंगे तो कई बच्चे जो है रेगुलर पढ़ाई करने के लिए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और जो 12वीं पास स्टूडेंट है वे कहीं जॉब के लिए या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अप्लाई करने के लिए जो है मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। तो कक्षा 10वीं और 12वीं का मार्कशीट वितरण जो दोस्तों जो है 20 जून के बाद जो है इसका वितरण चालू हो जाएगा। परीक्षा के ठीक 20 या 30 दिनों के अंदर जो है ओरिजिनल मार्कशीट जो है मिलता है, क्योंकि उसको इंटरनेट में रिजल्ट जारी करने के बाद उसकी छपाई होती है, उसमें ही समय लग जाता है ना। चूँकि सीजी बोर्ड का भी रिजल्ट अभी मार्कशीट नहीं मिला है, और साथ ही साथ कक्षा 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश बताने जा रहा हूँ। कक्षा 12वीं यदि आप उत्तीर्ण किए हैं अभी ओपन से, तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य लेनी होगी, क्योंकि बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए जब मार्कशीट लेने आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो आप जो है तुरंत अप्लाई कर देना है, बोल देना है कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। वो जो है एक दो दिन के अंदर आपको फिर मिल जाता है। तुरंत आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना, एक से दो दिन वो समय देते हैं और उसके बाद उसको डाउनलोड करके आपको दिया जाता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहे आप 10वीं के हो चाहे 12वीं के, ओपन परीक्षार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई के समय वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, आगे की कोई भी परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो मैंने डेट बता दिया आप लोगों को, 20 जून के बाद या जो है 20 या से 30 जून के बीच में आपको कभी भी सर्टिफिकेट वितरण मिल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद।